हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शाइनिंग स्टार। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं सॉफ्ट पेस्टल से ड्राइंग। आप देख सकते हो मैंने 20 शेड्स का पेस्टल लिया है। तो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अपना पेंसिल लेना है और ड्राइंग स्टार्ट करना है। और फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले लेना है ऑरेंज कलर और करना है, मतलब आपको डार्क ऑरेंज लेना है। ओके, और फ्रेंड्स आप टिश्यू से इसको ऐसे ब्लेंड कीजिए। ये सॉफ्ट पेस्टल ब्लेंडिंग में बहुत अच्छा है, जल्दी अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। अभी आपको लेना है लाइट ऑरेंज और फ्रेंड्स कलर करना है। आप देख सकते हो आपको सन को बिल्कुल भी कलर नहीं करना है, सन को फुल व्हाइट रखना है। और अभी येलो कलर लेके ऐसे सन को एक बॉर्डर देके ऐसे करना है, लाइन खींचना है। और इधर इधर कलर करना है येलो, सन के ऊपर भी करना है, नीचे भी करना है। इधर इधर तो हाथ से ब्लेंड करो और बाकी सब टिश्यू से। फ्रेंड्स, वैसे सॉफ्ट पेस्टल में पहले से हमको एक टिश्यू मिलता है, मतलब वो टिश्यू नहीं है, वैसे कवर है, उससे आप ब्लेंड अगर करोगे तो ये बहुत अच्छे से आएगा। टिश्यू की कोई जरूरत नहीं, अच्छे से ब्लेंड नहीं होती है टिश्यू से, इसलिए ये देखिए। अभी लाइट ऑरेंज लेना है आपको और येलो के नीचे हाथ से ब्लेंड करना है। येलो लेके और ब्लेंड करना है, हाथ से ब्लेंड करना है और फिर डार्क ऑरेंज लेके नीचे का फुल करना है। आपने नीचे तो बॉर्डर दी होगी तो उस बॉर्डर के नीचे कलर नहीं करना है, वो लैंड और स्काई को डिफरेंशिएट करता है वो बॉर्डर। और अगर आप ऑयल पेस्टल फ्लोर पे कर रहे हैं तो आपका फ्लोर गंदा होगा, क्योंकि ये बस डस्ट है और कुछ नहीं है, ये पूरा डस्टी कलर होता है, बहुत डस्टी। तो आप सन को पहले से ही देख रहे हैं, पूरा व्हाइट कलर का चमक रहा है। तो अभी हमको करना है सी की बारी। तो अभी पहले आप ऑरेंज से ऐसे थोड़ा सा लाइन दे दीजिए और अभी इधर सी करेंगे हम। आपको येलो कलर लेके ऐसे बनाना है और ऐसे रिमूव करना है, फिर लाइट ऑरेंज लेके ऐसे ऐसे घुमाना है। अभी टिश्यू को लेके ब्लेंड करना है। और फिर डार्क ऑरेंज को लेके पूरा ब्लेंड करना है। और फिर
येलो से फुल कर देना है ब्लेंडिंग आपको। अभी आपको रेड कलर उठाना है, आप देख सकते हो, और फिर बॉर्डर देके ऐसे ऐसे करना है पूरा जगह। ये करने से बहुत अच्छा दिखता है फ्रेंड्स, पूरा रियल सी भी जैसे लगता है। आपको ये भी करके ब्लेंड भी कर देना है, ये बहुत अच्छा दिख रहा है फ्रेंड्स। आपको ये लाइन तीन बार वैसे बनाना है, फिर येलो कलर भी लेके ऐसे ऐसे कर देना है, और फिर ऐसे येलो से अभी व्हाइट कलर लेके ऐसे घुमा देना है, फिर येलो लेके फिर से करना है। ये थोड़ा सा मुझे तो हार्ड लग रहा है, और अगर स्काई भी ब्लेंड हो गया तो स्काई को भी रेड थोड़ा सा करके इस टिश्यू से कलर कर देना है। और फ्रेंड्स बन गया हमारा ड्राइंग, नहीं अभी तक बना नहीं है फ्रेंड्स, इसको तो कलर करना फुली बाकी है, और ये वाला तो इतना ही कर देती हूँ। अभी ऐसे ऐसे करना है, और वाइट से ऐसे दबा के ऐसे ऐसे कर देना है। तो अभी ये रियल वाटर लग रहा है, तो फ्रेंड्स अभी हमको इधर करना है कलरिंग। ब्राउन कलर लेना है, और फिर ब्राउन कलर को ऐसे सीधा करके ऐसे करना है ब्लेंडिंग, और फिर इसको हाथ से ब्लेंड करना है। अभी स्किन कलर लेना है और ऐसे ब्लेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स ये देखो, इसको ऐसे बॉर्डर देके ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, एकदम रियल लग रहा है, मुझे तो लग रहा है रियल। आपको लग रहा है तो कमेंट्स में बता दीजिए मुझे। अभी येलो कलर लेके इधर इधर थोड़ा सा येलो करना है, और पूरा को बहुत लाइटली ऐसे ऐसे करना है, और फिर अभी आपको ब्राउन लेके जिधर भी वाइट वाइट दिख रहा है उधर डाल के ऐसे ब्लेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स अभी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में तो, और व्हाइट को लेके ऐसे डब डब कर देना है सैंड जैसे, और फिर गंदी को नीचे डालना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है। अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी हमको कोकोनट ट्री तो बनाना है जो कि हम हमेशा बनाते आए हैं। इसके बाद के वीडियो में मैं एक सीनरी बनाऊंगी जिसमें कोकोनट ट्री नहीं रहेगा। अगर आप चाहते कि कोकोनट ट्री का ही मैं ड्राइंग्स बनाऊं, तो कमेंट्स में कोकोनट ट्री लिख दीजिएगा। ये आपको लेना है डार्क क्या बोलते हैं, डार्क ग्रीन, और ऐसे कलर करना है। अभी डार्क ग्रीन से पत्ते भी बनाना है, आप देख सकते हो। और फ्रेंड्स देख सकते हो तुम कैसे अच्छा लग रहा है। अभी लाइट ग्रीन लेके थोड़ा थोड़ा बॉर्डर देना है ऐसे करके, और थोड़ा थोड़ा बॉर्डर देने के बाद आपको आपका ट्री तो बन गया, मतलब बस ट्री बना है। अभी ब्लैक तो यूज करना भूल ही गए ना, तो ब्लैक यूज करते हैं। और फ्रेंड्स ब्लैक से ऐसे हमको बॉर्डर देना है थोड़ा थोड़ा, और फिर ब्लैक से बॉर्डर देने के बाद
आप देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। अभी इधर का भी कलर करना है ब्लैक से। फ्रेंड्स ब्लैक से ऐसे कलर कर रही हूँ मैं और हो गया कलरिंग। अभी आपको वाइट कलर लेना है। फ्रेंड्स मेरे पास तो ऑलरेडी है इधर वाइट, तो वाइट से सन को कलर कर देना है और फिर हाथ से ऐसे ब्लेंड आउट करना है। फिर येलो कलर लेना है सन के लिए और एक कलर कर देना है। तो फ्रेंड्स ऐसे रियल जैसे शेड आ रहा है। हाँ कोकोनट ट्री भी करेक्ट हो गया हमारा। और अभी हमको ब्राउन लेके इधर बॉर्डर दे देना है अच्छे से और हाथ से ब्लेंड भी करना है बॉर्डर को और इन दोनों में डिफरेंस भी ऐसे लाना है। फिर आपको थोड़ा सा रियल लगेगा। तो अभी वाइट लेके क्लाउड्स भी बनाना है आपको। आपको अभी ब्लेंड नहीं करना है, बस ऐसे ही बनाना है। और ऊपर का क्लाउड को ब्लेंड करना है, नीचे का को नहीं करना है। और ऐसा लग रहा है कि एक ड्रीम है, इतना क्लाउडी क्लाउडी। और फ्रेंड्स इसी के साथ आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल हमारा ड्राइंग बना है आज का। और सन तो दिख भी नहीं रहा है, ऑरेंज करती हूँ। अगर आपका सन दिख रहा है तो आप मत कीजिए, मेरा सन नहीं दिख रहा है। तो फ्रेंड्स अभी हमारा हमको डस्ट ऐसे निकाल देना है। और मैंने पहले ही बोला था बहुत डस्टी हो जाएगा आपका फ्लोर, तो आप भी ऐसे साफ कर सकते हैं उसी सेम टिश्यू से। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। बाय फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय।